अब देखिए BGMI के कमबैक की अपडेट्स तो हम लोगों को मिलते ही रहते हैं एंड कहीं ना कहीं अभी 110% साबित हो चुका है दैट BGMI वापस आने वाली है। बट वॉट अबाउट द सेकेंड बैटल रॉयल जो बैन भी हो रखी है एंड जिसके चाहने वाले कम नहीं है, दैट इज फ्री फायर। अब फाइनली फ्री फायर के कमबैक की भी कुछ न्यूज सामने आती हुई दिखाई दे रही है। शिवन एंडी जो कि स्काई स्पोर्ट्स के ओनर हैं, उन्होंने अभी अभी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जहां पे उन्होंने लिखा है दैट इट सीम्स दैट गरीना इज मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग एफर्ट टू ब्रिंग बैक फ्री फायर इन इंडिया एंड इज जस्ट अ फ्यू स्टेप्स क्लोजर। BGMI is also set to make a comeback anytime soon with games like BGMI, Free Fire, Counter-Strike, Pokemon Unite, Valorant. The Indian esports industry is poised to reach new heights. अब देखिए BGMI तो वापस आनी है, ये तो श्योर है, बिकॉज हम लोग आपको काफी देर से अपडेट देते आ रहे हैं दैट BGMI के रिलेशन में क्या क्या हो रहा है। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर रिवीलिंग ऑन दिस एपिसोड दैट फ्री फायर के कमबैक के चांसेस भी अब बढ़ने शुरू हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को लगा था दैट गरीना का बिल्कुल भी इंडियन रीजन पे ध्यान नहीं है, बट विद दिस न्यूज आई एम डैम श्योर दैट जितने भी गरीना के एंथुसियास्ट हैं उनको जरूर से खुशी हुई होगी। सो इफ यू आर वन ऑफ देम प्लीज मेक श्योर दैट आप कमेंट्स में बताएं दैट क्या आप लोग फ्री फायर के वापस आने में एक्साइटेड हैं या नहीं। अब अगले टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं पुकार के बारे में जो कि हाला में ही TX के साथ BGMI स्क्रिम्स खेलते हुए दिखाई दे चुके हैं और इसी के साथ साथ रूमर्स भी सर्कुलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं दैट शायद से पुकार फ्यूचर में TX को ज्वाइन करने वाले हैं। स्काउट ने भी क्लैरिफाई किया दैट फिलहाल TX के ट्रायआउट चल रहे हैं एंड अगर सारा कुछ ठीक रहा तो पुकार बहुत जल्दी हमें टीम Xbox से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा। पुकार भी टेंशन है, टू बी ऑनेस्ट आप लोग झूठ क्या बोलना, यस ट्रायआउट चल रही है, लेट्स सी कैसे चल रहा है। इट्स वेल एंड गुड, पुकार आ जाएगा TX में। वो वाला टाइम गया है वॉर्नर भी वाला कि ओ भाई पुकार आ रहा है, नहीं हम सरप्राइज रखते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सरप्राइज वाला सिस्टम खत्म। और अब इसी के बाद हम बात करने वाले हैं स्काउट के बारे में और उनकी लाइव स्ट्रीम वॉचिंग के बारे में। अब अगर आप लोग स्काउट को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा हाला में 12K की वॉचिंग से अचानक से एक पीक आता हुआ दिखाई दिया हमें जो कि 24-25,000 तक जाती हुई दिखाई दी उनकी वॉचिंग। कितने लोग आ गए भाई, कहां से आ गए इतने सारे लोग, और स्काउट को भी इस चीज को देख के थोड़ा सा झटका लगा था और उनके कुछ बहुत अच्छे चाहने वालों ने ये भी कहा दैट शायद से स्काउट फेक व्यूज बाय कर रहे हैं। बट इसी के ऊपर गोल्डी भाई ने क्या कहा, आइए आपको सुना देते हैं। एंड गाइस रही बात उसकी, तो कल स्काउट की वॉचिंग गोल्डी भाई एक बार चलाना मुझे, इट वाज मतलब हम चाहते हैं 25 क्या 2.5 लाख वॉचिंग है, बट भ्रम में हम लोग नहीं रहते, तो मेरी और स्काउट की कल डिस्कशन हुई, फिर हमारी बात भी हुई जिन अथॉरिटीज से बात हुई थी। इस चैनल वाज वॉटेड, उसकी 12,000 वॉचिंग मतली थी, किसी ने बॉट कर दिया। हाला में ही मावी ने अपनी लाइव स्ट्रीम में बताया दैट उनके द्वारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखी गई हैं और 8-bit के द्वारा भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं और अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस मीट करती हैं तो हमें बहुत जल्दी मावी 8-bit के टैग के अंडर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। आइए आपको सुना ही देते हैं उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम पे कहा क्या। 8-bit से खेल लेना टीम और दोनों सॉर्टेड, यस जरूर खेल लेंगे अगर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस मैच हो गई और के हिसाब से या हमारी और की हमारे हिसाब से दोनों की अगर मैं अगर एग्री हो गई तो मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है खेलने में। बट देखो अभी प्रॉब्लम ये होने वाला है कि कोई भी और चाहे 8-bit आएगा कोई भी वो और को ये मतलब होल्ड अपने पे होगा प्लेयर्स और टीम का, तब जाके बात बनेगी, वरना तो फिर जो परफॉर्मेंस आपने देखा 1-1.5-2 साल में वही परफॉर्मेंस आगे जाके। अब आज के आखिरी टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन बुलिंग के बारे में। हालांकि स्काउट BGMI के स्क्रिम्स खेलते हुए पाए गए जहां पे कुछ अंडरडॉग्स के द्वारा स्काउट को कुछ अपशब्द कहे गए और अभी सबके बाद स्काउट काफी ज्यादा अपसेट भी दिखाई दिए और उन्होंने इन दी एंड उस बंदे का नाम भी खोज लिया जिन्होंने ये सारा कुछ किया था। हेलो सुनना, एक काम करेगा मेरी मेरी स्ट्रीम बैक करके देखियो, उसमें एक बंदा गाली भर रहा था कोई ऑल चैट पे, तो उस पॉइंट पे जहाँ तक जहाँ से हम कूदे वो तब तक था, मतलब उसी एरिया के अराउंड कुछ टीम सर्टेन टीम्स बचे होगी 4-5 टीम, उन्हीं में से कोई एक बंदा गाली भरा होगा ना इसका मतलब ऑल चैट पे। हाँ थोड़ा पता करें, नोवम में खेल रहा है, नोवम के से पता करके दे और वहाँ के पूछ वो बंदे को, स्पेसिफिक बंदे को निकालना, देखो आवाज़ उस और उसका आवाज़ भी रहेगा तो उसका आवाज़ तो लोगों को समझ भी आ जाएगा कौन होगा अगर उसके नोन रहेगा तो। हाँ पता करा, इसका मैं थोड़ा सा क्लास लूँगा अलग से। बट इस सबसे हमें एक चीज देखने को मिलती है दैट चाहे वो स्काउट हो चाहे वो कोई भी अंडरडॉग प्लेयर हो, बुलिंग का शिकार हर कोई हो सकता है। सो आई रियली रिक्वेस्ट ऑल यू गाइज वॉचिंग द वीडियो दैट द चेंज हैज टू कम फ्रॉम विद इन। अगर हम लोग अपनी कम्युनिटी की टॉक्सिसिटी को खत्म करना चाहते हैं तो हमें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। सो आई रियली होप दैट इस वीडियो से कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर फर्क जरूर पड़ेगा एंड टुगेदर वी कैन मेक अ हेल्दी गेमिंग कम्युनिटी। दिस इज इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ गुड गेम न्यूज़, सी यू इन द नेक्स्ट वन।